वेलकम बैक लवली पीपल टू रवीज फोकस हाइव। आज हम लोग एक ऐसे एंटरप्रेनर से बात करने वाले हैं जो कि मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। उनकी कंपनी का नाम नेक्स्ट विज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और उनका नाम संजय सिन्हा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है जो और एक छोटी सी कंपनी लेकर चला हूँ आईटी सेक्टर में, जिसका नाम है नेक्स्ट विज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। 2018 में उन्होंने शुरू किया था पटना की टीम, जहाँ लोगों ने बहुत ही अच्छे रूप से इसका रिस्पांस दिया है और अपने आईटी सेक्टर में काफी अच्छा रिस्पांस कर रही है। जो बड़ी कंपनियों जिस तरह से रन करने की कोशिश कर रही है, उसके प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और ये आगे चलकर अब लोगों को कितना हेल्पफुल साबित होगी वो आने वाले समय में आप काफी अच्छा से देख सकते हैं। ये पर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, हमारे लोगों से लोग जान सकते हैं, हमारी सर्विसेज को जान सकते हैं, हमारे द्वारा किए हुए कामों को भी जान सकते हैं। तो संजय जी, आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपकी कंपनी क्या करती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर है जी। हम अब ये बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है। ये इस प्रकार से काम करती है, जिस तरह से आईटी सेक्टर में लोगों का किसी को वेबसाइट बनाना हो, किसी को ERP बनाना हो, किसी को अपने बिजनेस को प्रमोट करना हो, काफ़ी मतलब जो लोग अपने क्लासिक या बेसिक चीज़ों से छूटे हुए हैं, अपने बिजनेस को काफ़ी आगे की ओर नहीं बढ़ा पाते हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगर हम ये आईटी के क्षेत्र में आके डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा या अपने अपने किसी भी तरह के बिजनेस को प्रमोशन के द्वारा अगर हम इसको आगे की ओर ले चले तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आने वाले समय में अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा है कि बिना डिजिटल चीज़ों को लिए हुए आप किसी भी बिजनेस को अपना एक हाइक पर नहीं ले जा सकते हैं। ये तो बात सही है। ये तो मतलब आज के डेट में एवरीथिंग इज सब कुछ डिजिटल है। आप मतलब और हमारे जहां तक हमारे मोदी जी का सर का कहना है तो वो भी बिना डिजिटल के उससे पीछे नहीं है, वो सबसे पहला प्रमोशन वो डिजिटल को ही करते हैं। हाँ, डिजिटल इंडिया उनका स्लोगन भी है, या यार का सपना है उनका। यार करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आई मीन जब मुझे पता चला कि आपने अपनी एक कंपनी खोली है, मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि दिल की तमन्ना ये होती थी कि मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोग चाहते थे कि या तो कोई बड़ी कंपनी में चले जाएं या फिर खुद का कुछ स्टार्ट कर लें, राइट? एंड आपने वो सपना साकार किया है तो काफी अच्छा लगता है। छोटी सी कोशिश है तो दोस्तों के बीच ऐसा एप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आप लोग जैसे वेबसाइट्स का काम कर लेते हो और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हो, तो आज के डेट में आप देखोगे कि ऑनलाइन इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे विक्स हो गया जो कि आप मतलब फ्री में वेबसाइट बन रही है वहां पे और एकदम इजी है बनाना। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप मार्केट में कैसे जाते हो, मतलब क्या लॉन्च करते हो आप मार्केट में कि लोग आपके पास आए और ना कि विक्स में अपने आप बनाने लगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी भी अगर हम देखते हैं कि ये चीजें, बहुत सारी चीजें क्या होती है कि बहुत सारी चीजें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ना, वहां के लोगों को जानकारी है, वहां के लोगों को जानकारी है तो वो उस चीजों को यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे मतलब बिहार सेक्टर में देखे या पटना में जहाँ हम काम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं इस बिजनेस को, वहां अभी भी ये इन चीजों को से वाकिफ नहीं, और इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है तो लोग अभी भी वो जो हमारा क्लासिकल या प्रोडक्ट है वो जैसे कि लोग चाहते हैं किसी कंपनी के द्वारा ही बनवाना चाहते हैं, राइट? वो अभी उनको उस पॉइंट ऑफ व्यू सब में जाना है, वो चीज़ों को वो यूज टू ही नहीं है, जिस वजह से वो उस चीज़ों को नहीं जानते हैं तो वो नहीं मालूम है कि ये फ्री में भी हो सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी फ्री का भी है। तो लेकिन फ्री और कस्टमराइज, अगर हम अकाउंट तो भाई एक सॉफ्टवेयर हुआ कि भाई कोई फिल्म दे दिया तो भाई क्या देगा नहीं देगा, आपके अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। लेकिन हम कहते हैं कि सर हम आपको कस्टमाइज वे में बना देंगे, आप जैसा चाहते हो, आपकी कंपनी जैसी चाहती है, आपकी कंपनी जैसे रन करना चाहती है, आपकी कंपनी जैसे काम करना चाहती है, आप उससे क्या कैसे आपको उसका फायदा मिलेगा, ये सारी चीजों को मतलब उनको हम डेप्थ में बताते हैं।
डेप्थ बताते हैं तो उनके कंपनी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो काफी क्लियर हो जाता है, तो वो उनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल देन अदर, अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हमें ज्यादा यूजफुल लगता है, तो इस वजह से वो हम काफी कन्विंसिंग हो जाते हैं और वो हमारा काम को एप्रिशिएट करके वो काम करना चाहते हैं और काम करते हैं। एंड आई थिंक आपका जैसे आई मीन वन ऑफ द पॉइंट ये भी होगा कि आप लोग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते होंगे कि कल को वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ जो भी है वो आप लोग सपोर्ट देते हैं, वो लोग बिल्कुल सपोर्ट देते हैं। सर्विस हमारा चूंकि एनी टाइम हमारा रहता है, हम बोल के देते हैं उनसे प्रोडक्ट की हम आपको 24/7 आप वो सर्विसेज देंगे सर, इसमें आपको हम लोग कहीं पीछे नहीं हटते हैं। परफेक्ट, तो वो काफी कन्विंसिंग होते हैं वो। करेक्ट, एंड आई थिंक आज के डेट में आई मीन प्रोडक्ट तो हर किसी के पास है, बट सब लोग अपने अपने हिसाब से मार्केटिंग करते हैं, सर्विस के ऊपर ही मेन सारा कुछ डिपेंड करता है, और ये आईटी सेक्टर भी तो सर्विस का मतलब ये चैप्टर ही स्टार्ट होता है यहाँ से। राइट, अगर आप सर्विस अच्छा नहीं प्रोवाइड करते हो तो आप कहीं भी किसी भी कंपनी को कहीं भी खोल लो वो आपको रन नहीं करने। तो जैसे अगर सर्विस की बात करें तो इसके लिए आपको एम्प्लॉइज भी चाहिए होंगे। बिल्कुल रखते हैं हम लोग, काफी क्राउड है हमारे पास, अच्छा रहता है। राइट, तो आज इस चीज को एक्चुअली मैं चाह रहा था कि इस डिस्कशन को मैं आज के सिचुएशन से जोड़ना चाह रहा था कि जैसे सर्विस जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एंड वही हमें सबसे अलग रखता है बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ, किसी भी कंपनी को बिल्कुल। और सर्विस को चलाने के लिए हमें लोग चाहिए, वो तो मशीन से चलेगा नहीं, मतलब कुछ हद तक चलता है बट आपको इंसान तो चाहिए। आज के डेट में जो हमारा कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इसमें लोगों को साथ में बैठ के काम करना या एक साथ मिलना, कोलैबोरेट करना, वो सब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, तो इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो? थोड़ा सा मतलब प्रेजेंट सिचुएशन देखा जाए तो परेशानी हम लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा है कि हम लोग कुछ चीजों को कुछ एम्प्लॉइज को मतलब इनहाउस रखते हैं, अब कुछ उन लोगों को मतलब होमवर्क करने के लिए भी दे देते हैं, तो जिस वजह से हमारा काम दोनों मतलब दोनों पैनल में इस तरह से तालमेल करके चलाते हैं कि मतलब किसी को मतलब सर्विस देने में किसी कस्टमर को हमको परेशानी ना फेस करना। अच्छा, मतलब तो आपने भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रखा है। वर्क फ्रॉम होम पे मतलब सिस्टम थोड़ा सा अपना रखा है, ताकि जो वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, भाई जब तक हेल्थ ना हो तो फिर वेल्थ कमाने का क्या फायदा, तो वो उस तरह से हम लोग उसको भी मैनेज करते हैं हम लोग। बहुत सही, मतलब ये जो आई थिंक मार्च से स्टार्ट हुआ ना, मार्च से जब स्टार्ट हुआ बड़ी बड़ी कंपनीज चली गई वर्क फ्रॉम होम वाले सिचुएशन में, तो आई थिंक एक अच्छा ही मूव है और इसकी वजह से बहुत सारा चीज आने वाले सेक्टर में यहाँ से हम लोगों के लिए और एक अपॉर्चुनिटी ओपन होता है। अगर देखा जाए वो दूसरे साइड से तो हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ भी ओपन हो जाता है कि बहुत सारी कंपनियां जो होगी जो आईटी सेक्टर में नहीं काम कर रहा है, कोई अदर सेक्टर में काम कर रहा है और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और वो मतलब और उसके लिए तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन रह जाता है भाई डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन या आईटी सेक्टर से जिसमें रिलेटेड जो कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे एप्स बन रहे हैं, एंड्रॉइड एप्स बन रहे हैं या मोबाइल एप्स बन रहे हैं, उसके द्वारा हमारे प्रमोशन के लिए हमारे पास आएंगे वो, तो अपॉर्चुनिटी है वो खुल जा रहा है। राइट, और जैसे ये वर्क फ्रॉम होम हो गया या हर चीज अब बिखर सा गया, मतलब हर कोई एक जगह एक कमरे में बैठे काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे सिक्योरिटी का भी काफी चैलेंज आ रहा है, तो आप सोच रहे हो इस बारे में कुछ कि आप लोग भी कुछ ट्राई करो सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ प्रोडक्ट बनाने का? या बिल्कुल इसके लिए हम लोग अपने हमारे यहाँ जो अपने कंपनी में जो आईटी सेक्टर के लोग हैं तो उनसे हम लोग बात करते रहते हैं कि हमारे डाटा शेयरिंग का क्या सिस्टम होगा, जो अगर इस तरह से नेचर अगर हम लोग अपनाते हैं तो आने वाले समय में तो हमारा डाटा लीक होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, या कस्टमर भी हमको भाई कह सकते हैं कि सर आपके यहाँ काम पर आने से क्या फायदा, डाटा ही लीक हो गया। तो उसके उस विषय में भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग इस तरह से लूज आउट करें, उसके लिए पूरा हम लोग एक नया अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना के उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। रियली मैन, सुन के काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब नॉट ओनली बड़े सिटीज बट आई मीन पटना भी एक बड़ा सिटी है, बट जब उसको हम लोग कंपेयर करते हैं प्रेजेंट टाइम में तो मतलब अभी हो गया करेक्ट, बट जब उसको हम लोग दिल्ली या मुंबई से कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सोचता है इंसान कि शायद वहाँ सारे फीचर्स फैसिलिटीज हैं कि नहीं,
बट ये सुन के काफी अच्छा लग रहा है कि आप जैसे अपनी कंपनी को चला रहे हो जो कि सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं। राइट नहीं, सिक्योरिटी तो बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड स्पेशली फॉर कस्टमर्स, राइट? उनका डेटा आपके पास आता है, आप उनका वेबसाइट बना रहे हो, उनका मार्केटिंग कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कस्टमर होते हैं ना। राइट, कस्टमर का ही डाटा लूज होने लगे तो बहुत। करेक्ट 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 करेक्ट। तो जैसे अभी हम लोगों ने सिटी की बात की, राइट? तो अब पटना जैसे सिटी है, वहां पे आई मीन इट्स नॉट नोन, वो आईटी के लिए नोन नहीं है, बट स्टिल आप वहां पे आईटी का काम कर रहे हो। तो आप ये जो आपका जो क्या कहते हैं उसको बिजनेस जो आप देख रहे हो, आपको कितना लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वहां पे? मेरा मानना है सर रवि के अगर हम दूसरे सिटीज को देखे, चाहे मेट्रोपोलिटन सिटीज को देखे, हैदराबाद को देखे, पुणे को देखे, महाराष्ट्र को देखे, जहाँ भी आईटी सेक्टर का बूम है, चाहे बैंगलोर हो, एनीवेयर, लेकिन अगर वहाँ देखे तो वहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटलाइजेशन बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस वहाँ खत्म हो चुका था, डिजिटलाइजेशन चल रहा है। लेकिन हमारे सिटीज में क्या है कि हमको ट्रेडिशनल बिजनेस से आउट होके अब डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज हर सेक्टर में बूम करके आ रही है। राइट, लोग अपने बिजनेस को डाइवर्ट करके अब डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं, तो उनको तो वही ट्रेडिशनल बिजनेस करने का आदत था, उसी के द्वारा ग्रोथ करने का उनको आइडिया ही नहीं लग रहा था कि भैया कि अब ये ऐसी चीजें भी आ गई है जिसकी वजह से हम उसके आधार पर बेस पर अपने बिजनेस को प्रमोट करें तो बहुत हम आगे की ओर जा सकते हैं, और इससे हमारा समय भी बचेगा, हमारे इम्प्लॉयज भी बचेंगे, और हमारा बिजनेस का ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने वाला है। तो ये हम अगर कंपेरिजन करके हमारे अकाउंट अगर देखा जाए तो हम, मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये पटना में जैसे सिटीज में अभी इस फील्ड में काफी अच्छा ग्रोथ है। बहुत सही, आई मीन बिलीफ, अगर बिलीफ है तो हर चीज हो सकता है, राइट? और विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं थोड़ा। करेक्ट करेक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखोगे तो हम लोग भी जब निकले थे तो पढ़ाई करने बाहर निकल गए, और ज्यादा से ज्यादा जनता बाहर ही सेटल हो गई। और अगर हम लोग बाहर नहीं आते, अगर वहीं अपने ही शहर में रह के पढ़ाई करते और वो सारी अपॉर्चुनिटीज रहती वहाँ पे, कॉन्सेप्ट कुछ अपना नहीं बनाते, कुछ समझते नहीं। करेक्ट, तो शायद पटना और धनबाद भी आज बैंगलोर और हैदराबाद के जैसा होता, तो प्रोबेबली वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। आपके जैसे एंटरप्रेनर्स अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये सिटीज भी बढ़िया से आईटी के मामले में आगे आ जाएंगे। हाँ, तो इस समय संजय मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आज के डेट में भी बहुत सारे बच्चे लोग जो कॉलेज से निकल रहे हैं एंड ऑल दैट, और जो स्टार्टअप का बूम है, अभी हर कोई एक नया एप्लीकेशन बना ले रहा है और स्टार्टअप कंपनी चला रहा है, ऐसे में आपका जो एक्सपीरियंस है पिछले 3-4 साल से जो आप अपनी कंपनी चला रहे हो, आप नए लोगों को या मेरे जैसे इंटरेस्टेड लोगों को जो कि चाहते हैं खुद का भी कुछ काम स्टार्ट करना, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? हाँ, कह रहा था मैं कि अगर आप कोई लर्नर है ना, तो अगर जो इस फील्ड में पढ़ना चाह रहा है या इस फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाह रहा है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, भैया आप अगर इस फील्ड में आके अपना कामयाबी हासिल करना चाहते हो ना, तो कोई भी आप अगर डिग्री ले रहे हो ना, चाहे एमसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, या कोई टेक्निकल नॉलेज ले रहे हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो, या किसी भी तरह का आप इस फील्ड से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, तो भैया आपसे ये मैं कहूँगा कि आप इसमें अपने नॉलेज को इतना ब्रॉड वे में रखें जिससे कि आपको वो कामयाबी की ओर आपको ले जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो डियर मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कतई आप इस फील्ड में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह जब तक नॉलेज ना हो ना, तो बिना नॉलेज का आपको अपना सक्सेस आप नहीं हो सकता। सही बात है ना? सही बात है। तो मतलब नॉलेज अक्वायर कीजिए, पढ़ाई कर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, बिल्कुल, पढ़ाई जब कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए दिल लगा के, और दिल लगा के कीजिए, मन लगा के कीजिए, फिर अंदर तक सीखिए, कोई नहीं रोकेगा। हाँ, फिर अंदर तक आप सीखिए इसको, और अच्छा तरह से सीखिए, और अच्छा कंपनी को भी उससे ग्रोथ मिलेगा, और आपको तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। सो संजय, जैसे अभी कोविड का जो इम्पैक्ट है मार्केट में, बड़ी बड़ी कंपनीज देख रही हैं, उनको भी अफेक्ट हो गया है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, और देन वो लोग अपने एम्प्लॉइज को भी टाटा बाय बाय कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट आप लोग को भी पड़ा है क्या? ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल हम लोग इससे बचे हुए हैं, क्योंकि सिचुएशन ही सरपंच ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हम लोग भी इससे थोड़ा सा आहत तो हुआ है,
लेकिन कोशिश है कि अभी चूंकि अभी क्या है पटना में ना कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पर बूम है, तो यहाँ यहाँ इस सेक्टर में थोड़ा सा मार्केटिंग थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा करवा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों को मतलब यूँ कह सकते हैं कि हम लोग बचे हुए हैं 50-60% तक हम लोग अभी उस पर काम करने से वजह से वो काम हो रहा है, तो हम लोग बचे हुए हैं चल रहे हैं। बढ़िया है यार, आई मीन मार्केट स्टडी तैयार रखिए, देखिए किधर की और ज्यादा डिमांड है एंड उधर ही घुसिए। तो अभी थोड़ा सा रियल सेक्टर में थोड़ा सा मार्केट है हमारे लिए, तो इस वजह से हम लोग उस फील्ड में, क्योंकि उस फील्ड में भी आईटी सेक्टर का काफी काम होता है, उनको भी प्रमोशन का रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनको भी अपने डिजिटल मार्केटिंग करवाना होता है, उनका भी बैनर पोस्टर एडवर्टाइजमेंट जरूरी होता है, तो सारे तरफ से उनको भी ERP का जरूरत होता है, बहुत सारे चीजें हैं जो जिस वजह से उस सेक्टर में भी हम लोगों को आईटी के सेक्टर में भी काम मिल जाता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच संजय फॉर कनेक्टिंग विथ मी टुडे, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और जो चीजें आपने बताई हैं काफी इंटरेस्टिंग है, सीखने को भी बहुत कुछ है इसमें, तो आई एनकरेज एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो टू लिसन टू इट, सी हाउ my friend is doing it, he's living his dream, and so can you, and it's hard work, it's definitely going to take some effort to achieve what you want to do, but go for it. Thank you so much and keep watching Focus Hive. Bye bye.